हेलो दोस्तों, भाई ये है मेरे साथ में टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी इंजन के साथ में आने वाली टीवीएस की एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। और इस वीडियो में करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट। देखते हैं ये 110 सीसी इंजन के साथ में आने वाली टीवीएस स्पोर्ट आपको कितना माइलेज देती है। साथ ही ये भी चेक करेंगे जो इसका फ्यूल टैंक है, कंपनी इसको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देती है, तो 10 लीटर के इस फ्यूल टैंक में कितने रुपये में आपका ये टैंक फुल होता है या कितने लीटर इसमें फ्यूल आएगा, क्योंकि अमाउंट तो हर जगह अलग अलग हो सकता है। माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, ये माइलेज टेस्ट जो है वो मैं एक स्पीड पर या एक दिन के अंदर नहीं करने वाला हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम बाइक खरीदते हैं, स्पेशली जो कम्यूटर सेगमेंट होता है उसको, उसके अंदर तो हम लोग हो सकता है हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर एक बार में चले हैं, या फिर हमें कोई मार्केट जाना है, अलग अलग जगहों पे जाना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, तो अलग अलग स्टॉप्स हम लेते हैं। तो उसी तरह से हम इस माइलेज टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, अलग अलग रोड कंडीशन में चलाएंगे, अलग अलग कंडीशन पर रखेंगे। साथ ही सिंगल और पिलियन दोनों के साथ में मैं इसको चलाऊंगा, तो देखते हैं एवरेज जो है वो कितनी निकल के आती है, कितना माइलेज टीवीएस स्पोर्ट आपको दे सकती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाइक की टंकी फुल कराते हैं और पूरा ऊपर तक हम फिल कराएंगे, और वापस आने के बाद फिर से इतना ही हम इसको फिल कराएंगे। तो अभी अगर किलोमीटर की बात करूं तो ये 2.6 किलोमीटर जो है वो बाइक चली हुई है, और इसको हम आराम से लंबा चलाएंगे और फिर देखते हैं कितनी माइलेज ये देती है। तो फ्यूल हमने फुल करा लिया है और 990 रुपये में इसकी टंकी जो है फुल हुई है। 10 लीटर पूरा आया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आया है 10 से, तो 990 रुपये में जो है वो टंकी हो चुकी है फुल। अब बाइक को चलाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको माइलेज टेस्ट शुरू करने से पहले भी बताया था कि अलग अलग रोड कंडीशंस के साथ में हम इसको टेस्ट करेंगे, और 110 सीसी सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो मोटरसाइकिल्स आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। लगभग हर ब्रांड की तरफ से आपको एक से ज़्यादा मॉडल देखने को मिलते हैं। तो 110 सीसी में टीवीएस के साथ ही आपको 3 मॉडल मिलते हैं, लेकिन स्पोर्ट अगर आप देखोगे तो ये एक एंट्री लेवल मॉडल है टीवीएस की तरफ से, और 110 सीसी सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ में आपको स्पोर्ट देखने को मिलती है। 2 मॉडल वेरियंट कह सकते हो आप आते हैं, जहाँ पर ये बेस है जो कि लगभग 59,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस के साथ में आता है, दिल्ली एक शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, और ऑन रोड लगभग आपको 68,000 to 70,000 रुपीज़ में मिल जाता है। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के साथ में ये स्पोर्ट आती है। और किन लोगों के लिए बनाई गई, तो भाई उन लोगों के लिए ये मोटरसाइकिल है जिनको, जिनका बजट काफ़ी टाइट है और जिनको एक माइलेज वाली बाइक चाहिए, तो वो टीवीएस स्पोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इंजन वगैरह की बात करूँ तो देखो, 110 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयरकूल्ड इंजन आपको यहाँ मिलता है, जो लगभग 8 BHP की पावर देता है और 8.7 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क है। 4 स्पीड का गियर बॉक्स है। स्पोर्ट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में, और काफ़ी लोगों में एक कन्फ्यूज़न रहा है, क्योंकि जब ये मोटरसाइकिल आई थी तब ये 100 सीसी में आई थी, और जब से BS6 आया है और फ्यूल इंजेक्शन वगैरह आया है तो टीवीएस ने इसको 110 सीसी के साथ में लॉन्च कर दिया। अभी काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है कि 100 सीसी में आती है, 110 में आती है या 125 में आती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि 125 में आती है। तो भाई ये 110 सीसी सेगमेंट के अंदर आती है, 110 सीसी इंजन के साथ में आती है, और इंजन जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। यही इंजन टीवीएस जो है वो स्टार सिटी प्लस में भी देता है, तो इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलायबल इंजन है, टेस्टेड है, काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में ये इंजन यूज़ किया जा रहा है, और माइलेज वगैरह भी अच्छी देता है। अब देखते हैं कितनी माइलेज जो है वो निकल कर आती है। बाकी बाइक के चलाने की बात करूं तो देखो, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की मोटरसाइकिल है, काफ़ी छोटी है साइज़ में, 2 लोगों के लिए डिसेंट स्पेस आपको इस बाइक के साथ में मिलता है। और कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि बाइक के जो टायर्स हैं वो आपको ट्यूब वाले मिलते हैं, ट्यूबलेस नहीं मिलते हैं, तो अगर आपको ट्यूबलेस चाहिए तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये छोटी बाइक है, छोटे टायर्स हैं और पतले टायर्स हैं, तो यहाँ पर ट्यूब वाले ही जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी बाइक में अपग्रेड कर लेते हैं ट्यूबलेस, या कुछ बाइक्स में जो कंपनियां देती हैं ट्यूबलेस टायर्स, उनके साथ भी अगर आप बाइक खरीदते हो, अगर आपके टायर में हवा कम है और आपकी बाइक पर लोड ज़्यादा है, तो टायर की जो आउटर साइड है वहाँ से टायर अलॉय के साथ में जहाँ पर फिक्स होता है वहाँ से हवा लीक हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको टायर के साथ ट्यूब इंस्टॉल कराना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह की बाइक ले रहे हो जो बजट सेगमेंट की है, तो वहाँ पर अगर आप ट्यूब टायर के साथ में भी ले रहे हो तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। और इन बाइक्स में पंचर वगैरह लगाना भी ईजी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इनके टायर्स को खोलना। हाँ, थोड़ा सा ट्यूबलेस में स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टायर घिसता है और जैसे जैसे चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको फिर वो ट्यूब और ट्यूबलेस वाले डिफरेंस जो है वो फील होते हैं।
अब बारी है खराब रास्तों पे चलाने की। तो खराब रास्तों में अगर आप इस बाइक को लेके जाते हो तो आराम से आपकी बाइक निकलती है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आराम से बाइक जो है वो खराब रास्तों से निकलती है, नीचे कहीं भी टच वगैरह होने की कोई समस्या है नहीं इसके साथ। और सस्पेंशन भी आपको अच्छे मिलते हैं, मतलब इस साइज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डिसेंट सस्पेंशन है, तो कम्फर्ट आपको मिलेगा। प्लस ख़राब रास्तों के साथ में, हालांकि मैंने सिंगल ही निकाली है, दो लोगों के साथ में ज़्यादातर सड़कों पे ही चला हूँ, और दो लोगों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है। बाकी बात करें देखो स्पीड वगैरह की, तो पावर परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी इस बाइक के हिसाब से, क्योंकि बाइक काफ़ी लाइट वेट है, साइज़ में कॉम्पैक्ट है, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है इसके साथ में। और टॉप स्पीड वगैरह जो है वो आराम से 80 प्लस की आपको ये निकाल कर देती है, कहीं कोई परेशानी उसके साथ नहीं होती है। दो लोगों के साथ में भी अगर आप बाइक चला रहे हो तो वहाँ भी आपको पावर के अंदर कोई कमी इसके साथ नज़र नहीं आएगी, और पावर जो आपको मिलती है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो वज़न है उसका काफ़ी आप कह सकते हो कि लाइट वेट होने की वजह से आपको अच्छी पावर ये मोटरसाइकिल निकाल कर देती है। लेकिन इस सेगमेंट का जो कस्टमर है उसके मेन जो फोकस होते हैं वो तीन चीज़ों पे होता है। पहला कि भाई प्राइस कितनी कम है, तो वहाँ पर ये बाइक आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ में मिलती है, 59,000 रुपीज़ एक शोरूम है। दूसरा कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट, तो भाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी TVS की काफ़ी कम है, स्पोर्ट्स की स्पेशली, क्योंकि ये मोटरसाइकिल अगर आप सर्विस वगैरह कराना चाहते हो तो मेजर जो आपका एक्सपेंस है वो इंजन ऑयल का ही है सिर्फ, तो सर्विस कॉस्ट भी आपको इसकी काफ़ी कम मिलेगी। साथ ही पार्ट अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट भी काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है, तो डीलरशिप पे भी और आफ्टर मार्केट भी आपको दोनों ही चीज़ें जो हैं दोनों ही जगहों पर अवेलेबल हो जाती हैं। इसके बाद में आता है भाई माइलेज कितना देती है, तो भाई देखते हैं माइलेज कितना देती है। तो भाई अपनी मोटरसाइकिल जो है वो लगभग 75 किलोमीटर जो है वो पूरे कर रही है, तो अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप, पास नहीं आ चुका है, और फ्यूल लगा के देखते हैं कितना फ्यूल आएगा, तो माइलेज देखते हैं कितना ये देती है। तब तक आप कमेंट में गेस करो कि भाई कितना ये बाइक जो है वो दे सकती है। करना है यहाँ तक, वहां जहां बता दोगे आप, यहाँ अंदर अंदर वाली किनारे, ठीक है, बस हो गया फुल। तो भाई माइलेज एक बार कैलकुलेट करके बता देते हैं, तो अपनी जो बाइक आई थी तब वो 2.6 किलोमीटर चली हुई थी, और 990 रुपये का हमने फ्यूल फिल कराया था टैंक फुल करने के लिए। अब अभी जो बाइक हमने चलाई वो 75.2 किलोमीटर चलाई, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 2.6 माइनस करें तो हमने बाइक चलाई है 72.6 किलोमीटर। अब डिवाइड करते हैं जितना अपना फ्यूल आया, तो अपना फ्यूल आया 1.24 लीटर, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 58.54 की माइलेज जो है वो हमें मिली। तो वापस से आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और यहाँ तक आने में बाइक जो है वो चल चुकी है 79 किलोमीटर, तो 79 किलोमीटर अभी हो चुके हैं। बाकी अगर बात करें कितनी माइलेज दी, तो हमने फ्यूल फिल कराया और पूरी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैंने यहाँ पर लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, बाकी मैं एक बार वैसे बता देता हूँ पूरी कैलकुलेशन। तो ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर जो है वो हमने बाइक चलाई, और फ्यूल जो है वो आया लगभग 1.24 लीटर, और कैलकुलेट करें अगर इसको तो लगभग 58 की माइलेज जो है वो इससे निकल कर आई है। अब 58 किलोमीटर पर लीटर अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी माइलेज है, स्पेशली कुछ चीज़ों के बारे साथ में। पहली चीज़ कि ये एकदम नई मोटरसाइकिल थी, 2 किलोमीटर से मैंने शुरू किया था, तो जब आपकी बाइक नई होती है तो उसमें वैसे भी थोड़ा सा कम माइलेज होता है। दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिकल कंडीशन में जब आप चलाओगे, जहाँ आप लोड कभी रखोगे कभी नहीं रखोगे, कई बार आप हाई स्पीड पे होगे कई बार आप लो स्पीड पे होगे, बहुत बार आप रेड लाइट पे होगे बाइक स्टार्ट रहेगी, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि घर पे अगर आप बाइक स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में तो आप वहाँ पर कोल्ड स्टार्ट देते हो बाइक को, तो वहाँ भी बाइक स्टार्ट रहती है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में जब हमने फ्यूल फिल कराया तो थोड़ा सा फ्यूल जो है वो एक्स्ट्रा फिल हुआ था, थोड़ा सा फ्यूल जो है वो बाहर भी निकल गया था। उस सब के बाद में जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो 58 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आती है, तो ये काफ़ी डिसेंट माइलेज है, और आराम से आप इसमें 60 प्लस की माइलेज निकाल सकते हो। अगर आप बिल्कुल अकेले चलते हो, अच्छे से चलाते हो, तो आराम से आप 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल सकते हो अच्छे से। मतलब यही है कि मैंने जो है वो इसको रिव्यू करने के हिसाब से चलाया, तो मैं इसको ख़राब रास्तों में भी चलाया, पक्की सड़कों पे भी चलाया, दो लोगों के साथ भी चलाया, अकेले भी चलाया, मार्केट में भी चलाया, और एक छोटा सा टॉप स्पीड टेस्ट भी किया, तो उन सब के बाद में मुझे इसने 58 की माइलेज जो है वो निकाल के दी।
तो इजीली आप इसमें 60 प्लस की माइलेज जो वो निकाल सकते हो, और काफ़ी अच्छी माइलेज है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखो, जहां आपको ये मोटरसाइकिल 60,000 रुपये की एक शोरूम कीमत के साथ में मिल रही है, लगभग 70,000 रुपये के अंदर आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में आपको ये TVS की तरफ से देखने को मिलती है। और मैं सजेस्ट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को माइलेज जो है वो पहली प्रेफरेंस है, उसके बाद में कम बजट है और रिलायबल इंजन चाहिए, तो आप TVS स्पोर्ट की तरफ जा सकते हो। बाकी आपको ये माइलेज टेस्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसी तरह के वीडियोस आप तक आते रहे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो।